वो गलतियां नहीं करना है जो और सारे बच्चे गलती करते हैं। डेसिफेरिंग कोडिंग दैट मीन्स कि विस्थापन आधारित, ये जो है हमारा डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग का भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि कुछ आपका सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए कुछ कोड गिवेन है, कुछ कोड दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि उसमें से कुछ स्पेशल जो है नेम या फिर जो कोड है या फिर डिजिट है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग उसके करस्पॉन्ड कौन सा कोड किया गया है। तो ये इस तरह का फाइंड आउट करना होता है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन ना बच्चे देख करके घबरा सा जाते हैं, बट मैं आपको वो टिप्स और ट्रिक बताऊंगी जिससे आप देखने के साथ ही वो कर जाएंगे। डेसिफेरिंग कोडिंग से पहले हमने लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग एंड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग ये तीनों हमने कर लिया है। और आप प्लीज़ कोडिंग डिकोडिंग का प्लेलिस्ट जाकर के ज़रूर चेकआउट कर लें, क्योंकि उसमें मैंने का शॉर्ट ट्रिक बताया है कि आप क्वेश्चन देखें और ऑप्शन पर टिक लगाया, उसमें नो आपको कोई भी डाउट आंसर सॉल्व हो गया। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो डेसिफेरिंग का क्वेश्चन का पैटर्न ये रहा, देखिए इस टाइप का आता है, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा आपको और आपको इसका आंसर देना है। तो अगर जो फ्रेशर होंगे वो पढ़ेंगे कोड को, ठीक है, या फिर जो नए भी हों या फिर पुराने भी हो, जिनको ये वीडियो नहीं देखा होगा या फिर कहीं से उन्होंने और क्लासेस नहीं की होगी, उनको आइडिया नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं सारे क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं। तो वो गलतियां नहीं करना है जो और सारे बच्चे गलती करते हैं। तो चलिए हम, बट हमें क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है, इसमें क्वेश्चन को हमें नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, जो हमारा मेन है। तो देखिए जो गलतियां बच्चे करते हैं वो क्या नहीं करना, पहला चीज कि आपको क्वेश्चन सारा नहीं पढ़ना है, दूसरी बात आपको लिखना नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या कर लेंगे, जैसे 1 2 3 मीन्स लिखा हुआ है, 1 2 3 मीन्स क्या लिखा हुआ है, ब्राइट लिटिल बॉय, ठीक है ये, और फिर उसके बाद 1 4 5 का मीन्स टॉल बिग बॉय, वो सारा ऐसे करके लिखते जाएंगे। तो ये आपको काम नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में हमारा काफी कम टाइम होता है और उस जितना टाइम आप लिखने में लगाएंगे उससे हाफ टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं वो आपको बताती हूँ, दैट मीन्स कि आपको पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है पहली बार, दूसरा आपको ये इस तरह के लिखना नहीं है। करना क्या है, चलिए उसे हमको सिंपल से क्या करना है, सबसे पहले आप मेन क्वेश्चंस पर आइए। मेन क्वेश्चंस पर मैंने पहले भी बताया है, पहले की भी वीडियो में मैंने जो भी कोडिंग डिकोडिंग कराया है उसमें भी बताया है कि आप पहले मेन क्वेश्चंस पर आइए, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाहता है, जिसके बारे में वो जानना चाहता है, दैट मीन्स कि विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट, ठीक है। वो हमारा जो मेन क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो कि कौन सा डिजिट है जिसके लिए ब्राइट यूज किया गया है, ठीक है, मतलब ब्राइट का जो डिजिट है ब्राइट का कौन सा मतलब है वो फाइंड आउट आपको करना है। तो देखिए आपने यहाँ देखा ब्राइट, ओके आपने क्या देखा, देखा ब्राइट यहाँ पर, तो ब्राइट को आप ढूंढेंगे कि इस जो हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें ब्राइट कहाँ लिखा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं सीधे, देखिए यहाँ पर ब्राइट लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ब्राइट लिटिल बॉय, और कहीं ब्राइट लिखा हुआ है, देखिए कहीं भी और ब्राइट नहीं लिखा हुआ है, बट हमको ब्राइट का पता करना है। तो ब्राइट वाले जो सेंटेंस है उसमें आइए, ब्राइट लिटिल बॉय, ये तीन आपको वर्ड दिख रहा है, उसमें से आपको ब्राइट का कोड फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ कह रहा है 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, लेकिन आपको मालूम नहीं कि 1 2 3 में से ब्राइट के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है। तो हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ब्राइट तो कहीं यहाँ है नहीं इन जो भी मीन्स दिया हुआ है, ठीक है, जितने कोड्स दिए हैं, तो आपको लिटिल और बॉय को फाइंड आउट कर लीजिए। ये अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, इसके करस्पॉन्ड आपको कोड मिल गया, तो ब्राइट का ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ लिटिल का कोड है, अगर और इससे कॉमन कहीं और मिल जाता है किसी में, ठीक है, लिटिल मिल जाता है, तो जो यहाँ लिटिल का कोड होगा वही वहां पर भी लिटिल का कोड होगा, ठीक है। तो देखिए देखते हम, लिटिल का यहाँ है और देखिए 637 मीन्स ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें लिटिल पर ही फोकस करना है, ठीक है, और अदर वर्ड पर फोकस नहीं करना है, ठीक है, तो लिटिल को करना है। तो देखिए यहाँ लिटिल के लिए 1 2 3 है, इसमें से क्या है हम यहाँ पर मैच करते हैं, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर इसके लिए 637 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में, इस दोनों में कॉमन कौन सा आपको दिख रहा है, तो देखिए 3 3 जो है ये आपका कॉमन दिख रहा है, दैट मीन्स कि लिटिल का मिल गया 3 हमारा कोड, ठीक है। अब हमें बॉय का पता करना है, ठीक है, तो हम और सेंटेंस में ढूंढेंगे कि बॉय हमारा कहाँ लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं, देखिए यहाँ पर बॉय, यहाँ बॉय हमें मिला टॉल बिग बॉय, ठीक है, तो यहाँ जो बॉय का कोड होगा ना 1 4 में से, वही हमारा इसमें भी होगा बॉय का, इस वाले में से, ठीक है, यानी बॉय का हमारा यहाँ भी वही मिलेगा।
तो देखिए 1 2 3, 3 तो हमारा पहले ही कट हो गया था, ठीक है। अब बचा है हमारा 1 और 2, तो 1 और 2, और यहाँ देखिए बॉय और 1 2 बचा, और यहाँ देखिए 1 है, इसमें भी बॉय यहाँ पर भी और ये 1 यहाँ पर भी, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो गया। हमारा यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो 2 जो हो गया वो हो गया ब्राइट का आंसर, ठीक है। 2 क्या हो गया, ब्राइट का आंसर। ये आपको केयर देखना, केयरफुली आपको देखना है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस में ही आंसर देख लिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही चीज कि आपको पहले पूरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, जो मेन क्वेश्चन है एग्जामिनर जो जानना चाहता है वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कि हमारा जो ब्राइट जो भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछेगा वो उससे क्वेश्चन से रिलेटेड हमारा वहाँ कहाँ पर सेंटेंस मिलेगा और उसका क्या कोड है, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यही हम काम करेंगे, बाकी और कोई काम नहीं करेंगे। इससे ही हमारा विद इन फ्यू सेकेंड में हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, कितना भी लंबा कोड हो कुछ भी हो, हमें आलतू फालतू पर फोकस ही नहीं करना, बस हमें अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्या है, अगेन वही हमारा कोड है, और मैंने कहा क्वेश्चन को आप पहले ना पढ़े, सीधे अपने जो एग्जामिनर पूछना चाहता है जिसके बारे में ये ऑप्शंस गिवन है वो हम देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, लिखा जाए, यानी इतना ला ला लिखा जाए, तो शब्द पीपल के लिए क्या लिखा जाएगा, पीपल के लिए, ठीक है। ये वर्ड हमें पीपल के लिए, अब इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है, ये जो पीपल है इसके लिए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम ढूंढेंगे सीधे इस वर्ड को, पीपल को। पीपल आप देखिए ए में है क्या, यू आर वेलकम नहीं है, दे आर वेरी गुड नहीं है, यहाँ पर दे वेलकम गुड पीपल, देखिए यहाँ पर आपको मिल गया, यानी डी जो है हमारा यहाँ पर दे वेलकम गुड पीपल को ओड हो पुट ला कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहीं और भी सर्च करेंगे, किसी ए बी सी जो हमारा दिया हुआ इसमें कहीं पीपल का यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हमें इसका कोड चाहिए, तो जो अगल बगल वाला है उसको हम हटा देते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक उसका नंबर मिल जाएगा जो भी कोड उसका किया हुआ है। तो देखिए यहाँ दे है, दे को हमें हटाना है, तो सबसे पहले हमें दे ढूंढना होगा कहाँ है इस वाले सेंटेंस में। ए में नहीं है दे, बी में दे है, देखिए बी में दे है, और सी में नहीं है, बी और डी यहाँ दे दे है, देखिए दे और दे। तो जो इसमें कोड होगा यहाँ पर ना हो पाला, इसमें से एक जरूर यहाँ पर मैच करेगा, ओड हो पुट ला, देखिए यहाँ पर ना हो पा ला, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो क्या है, हो ला, दो मिल रहा है हमारा, हो और ला, हो और ला, यानी एक और दे कहीं पर होगा, एक और दे कहीं, दे नहीं है तो कुछ और एक ऐसा होगा जिसमें कि इन दोनों या तीनों का मैच करेगा। तो चलिए ढूंढते हैं क्या है ऐसा, देखिए यहाँ गुड है, ठीक है, इसमें भी गुड है, यहाँ गुड है, यहाँ भी गुड है, और कहीं गुड है क्या, यहाँ भी गुड है। हम तीनों में अब हमारा क्या होगा कि तीनों गुड के लिए कोई एक ही कोड होगा, तो चलिए वैसा कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं जो कि इसका कॉमन हो। तो ये गुड 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 तीनों में है, ए बी सी में तीनों में है, सॉरी बी सी डी में तीनों में है। तो यहाँ पर देखें, हो ना हो पाला का डाला, ला मिला यहाँ पर, यहाँ भी ला है, ठीक है, और इसमें है ला, देखिए यहाँ भी ला है, ठीक है, ला ला मिल गया हमारा गुड का, ठीक है। अब हम यहाँ से हमें दे का फाइंड आउट करना काफ़ी इजी हो जाएगा कि दो ही है, तो दो में हमारा, तो देखिए ला ला यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये दोनों मैच हो रहा था तो हम नहीं पता कर पा रहे थे, और एक हो भी था, तो अब तो ला ला कट गया गुड के लिए, तो हो बचा है जो कि हमारे दे के लिए है, दे के लिए क्या है, हो है। अब देखिए वेलकम है, गुड हमारा कट गया, वेलकम एक बच रहा है, तो वेलकम देखिए ए ऑप्शन में भी वेलकम है, तो जो यहाँ वेलकम का होगा कोड यहाँ भी वही होगा, यानी पुट ना सा। अब देखिए इसमें है क्या, पुट, देखिए पुट मिल गया, पुट पुट कट गया, अब हमारा बच गया क्या, ओडी, तो ओडी क्या हो गया आपका, पीपल का आंसर हो गया, यानी इसके लिए हमारा ये कोड बन गया। तो इस वे में आप हर क्वेश्चन को करेंगे, काफ़ी कम समय में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा पाउज कर लें, और उसके बाद आप खुद से करने की कोशिश करें तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चंस आते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप पसंद आने का मतलब ये कि अगर आप इससे क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको मिल जाता है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप क्वेश्चन करके देखिए, अगर वो हो जाता है कम समय में तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को, और लाइक तो ज़रूर दे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर वही हम बात, इन अ सर्टेन कोड, हम टोटल सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे, हम टोटल क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जो मेन उसका मुद्दा जो एग्जामिनर जानना चाहता है हमसे क्या जानना चाहता है वो देखते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर वेरी, वेरी कोड के लिए
इनमें से क्या यूज किया गया है, के लिए इनमें से क्या यूज किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं वेरी, वेरी की तरफ देखिए, हमें यहाँ पर मिल गया वेरी, वेरी वेरी वेरी, और कहीं वेरी है और कहीं वेरी नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ और अगल बगल भी है, यानी स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। और इसका क्या है, 7, 8, 6 मीन्स कह रहा है कि स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। तो हमें पता नहीं है कि 7 किसका है, 8 किसका है और 6 किसका है, हमें नहीं मालूम कि किसका है ये, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि क्या करते हैं कि जैसे 7 लिखा हुआ ना, तो 7 का स्टडी मान लेंगे, 8 है तो 8 का वेरी मान लेंगे और 6 है तो हार्ड मान लेंगे, इस तरह से। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा गिवन होता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं होता है, रेयर ही ऐसा होगा कि जो आपको मिल जाएगा। बट आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है कि 7 जो है ना पहला स्टडी के लिए है, 8 है वेरी के लिए और 6 है लिए हार्ड के लिए, नहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसा आपको नहीं सोचना है कि 9 है हार्ड के लिए, 5 है वर्क के लिए और 8 है पीस के लिए, ऐसा कभी आप नहीं सोच सकते हैं। आपको जो मैं मेथड बता रही हूँ वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो और आपने देखा भी यहाँ कि ये ऐसा नहीं अप्लाई हो पा रहा है। तो चलिए देखिए, वेरी मिल गया हमारे, स्टडी और हार्ड, स्टडी और हार्ड हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखिए हार्ड यहाँ पर है, ठीक है, हार्ड वर्क पे, इसका क्या है कोड 958, 958 मीन्स क्या है, हार्ड वर्क पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी हार्ड है और यहाँ भी हार्ड है, दोनों में देखिए सिमिलर कोड कौन सा है, 786, 958, 8 जो है दोनों में कॉमन है, तो 8 जो हो गया वो हमारा हार्ड के लिए यूज़ हो गया, ठीक है। अब हमारा बच गया स्टडी, स्टडी के लिए ढूंढना है, यानी 7, 6 में से वेरी के लिए कोई हो सकता है, ठीक है, स्टडी के लिए भी कोई हो सकता है। तो चलिए स्टडी का ढूंढते हैं, कहीं कॉमन है क्या, 6, 4, 5 मीन्स स्टडी एंड वर्क, देखिए स्टडी एंड वर्क, तो स्टडी और यहाँ भी स्टडी है। अब इन दोनों में देखते हैं सिमिलर कोड है क्या, 6 और यहाँ 6, तो देखिए 6, 6 भी कट गया, यानी स्टडी के लिए मिल गया। अब बचा वेरी, और यहाँ एक सिंगल कोड बच गया जो कि 7 है और वो हो गया वेरी का। तो हम इस वे में ही क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी ईजिली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगेन हम पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो हमारा टाइम ही हमारे पास नहीं रह पाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेन मुद्दा है हमारा, फॉलोइंग डिपिक्स इज इन दिस पैटर्न ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये कह रहा है कि इज जो है ना वो किसको डिपिक्ट कर रहा है, इज जो है वो किसको डिपिक्ट, यानी जो कोड दिया हुआ है इज किसका, इसमें यहाँ पर कोड होगा, ठीक है, इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो इज को हमें ढूंढना होगा कहाँ कहाँ पर है, देखिए पिटना सोम स्टैंड फॉर ब्रिंग मी वाटर नहीं है, इज कहाँ है, देखिए इज यहाँ पर दिख गया, ठीक है, इज ऐसे सर्च करेंगे, इज कहाँ है, जो भी आपको वर्ड कहा गया उसको सर्च करेंगे, बस उसी सर्च उसी वर्ड पर आपका फोकस होना चाहिए, उसी वर्ड पर आपका आइज होना चाहिए, ठीक है, वो वर्ड कहाँ है। तो इज हमें मिल गया, और कहीं इज है, आपको और कहीं इज नहीं दिखा, ठीक है। तो अब देखिए इज के साथ आगे पीछे भी लल्लू पल्लू पड़े हैं, ठीक है, तो इनको हटाएंगे तब तो हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वाटर और लाइफ है, इन दोनों को हमें हटाना है, तो ये लल्लू पल्लू नहीं है भाई, वाटर और लाइफ दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है, वाटर भी और लाइफ भी है भाई, लाइफ है तो हम आपके सामने है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, देखिए वाटर और लाइफ को फिर यहाँ हटाना पड़ेगा इसके लिए ना, ठीक है, तो यहाँ हटा लेते हैं। तो ढूंढते हैं कि वाटर और कहीं पर है क्या, देखिए फर्स्ट वाले में वाटर यहाँ दिख गया वाटर, ठीक है, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना नहीं है, बस वर्ड पर फोकस करना है, वाटर दिख गया। अब देखिए जो यहाँ वाटर का कोड होगा यहाँ पर भी वाटर होगा, और कहीं देख लीजिए वाटर और कहीं है क्या, नहीं है, ठीक है, वाटर बस यही दो जगह है। तो वाटर के लिए देखते हैं अब इन दोनों में क्या सेम मिल रहा है, पिट ना सोम ना जो टोड, ठीक है, पिट ना, देखिए ना जो है यहाँ पर ना और ना, ये दोनों ना मिल रहा है, यानी वाटर का हमारा हो गया ना, ठीक है। अब हमें लाइफ के लिए सर्च करना है, लाइफ कहाँ पर है, लाइफ यहाँ देखिए, लाइफ लाइफ एंड डेथ किस क्या कोड क्या है, जो लिन कोट गेट्स कोड एस लाइफ एंड डेथ, यानी लाइफ यहाँ पर भी है, लाइफ यहाँ पर है। अब दोनों में सिमिलर कोड ढूंढते हैं कि इसमें और इसमें, मतलब कि ये तो कट गया है, जो तोड और इनमें से कौन सा हमारा मैच हो रहा है, तो देखिए जो और जो यहाँ दो मिल रहा है, तो हमारा हमारा लाइफ के लिए भी कोड मिल गया। अब हमारा इज बच गया तो इसके लिए टोड ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, यानी जिस वाले सेंटेंस, इसी वाले सेंटेंस में हमें वो चीज फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। तो चलिए हमें क्या मिला, टोड, तो जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, फिर अगेन हम इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सब सारा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, हम सीधे डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। दैट मीन्स कि विच डिजिट स्टैंड फॉर वेरी, यानी वेरी के लिए कौन सा डिजिट यूज किया गया है, ठीक है,
आप बोलोगे कि मैम हम जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे हमें समझ में ही नहीं आएगा, तो आपको समझने की जरूरत नहीं है यार, हमें समझना क्या है, हमें तो बस आंसर करना है ना, हमें ऑप्शन पर जाना है और वो टिक करना है और कम समय में अपना फाड़ देना है, ठीक है, और सारा नंबर लेकर के आ जाना है। तो चलिए करते हैं वेरी। अब चलिए वेरी ढूंढिए कहाँ है, कहाँ है वेरी, वेरी वेरी देखिए यहाँ पर वेरी मिल गया, ठीक है वेरी, बस हमें उस वर्ड पर फोकस करना है, मतलब ऐसे आप करके देखना है, वेरी वेरी देख लिया, और कहीं वेरी है क्या, नहीं है। अब वेरी है हॉट डे, ठीक है हॉट डे, वेरी हॉट डे, मतलब कि 3, 5, 6 जो किया हुआ है वो वेरी हॉट डे के लिए, लेकिन 3 वेरी के लिए नहीं है, नहीं हॉट के लिए, 5 है नहीं 6 डे के लिए, आपको नहीं मालूम है कौन सा किसके लिए है, तो हमें क्या करना होगा, कॉमन ढूंढना होगा, यानी हॉट और डे, हॉट और डे कहाँ है भाई, हॉट के लिए पहले ढूंढते हैं, हॉट यहाँ मिल गया, हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 1, 2, 3 मीन्स हॉट फिल्टर कॉफ़ी, और दोनों में सिमिलर को ढूंढते हैं 1, 2, 3 में, 3, 5, 6 यानी 3, 3 जो हमारा है वो हॉट के लिए है, ठीक है। अब बच्चा डे, डे ढूंढिए कहाँ है, डे 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 यहाँ है, यानी डे एंड नाइट दिया है, मतलब कि 5, 8, 9 मीन्स डे एंड नाइट। तो अब अगेन हम इसी में से कंपेयर करेंगे 3, 5, 6, 5, 8, 9 यानी 5 मिल गया यहाँ पर कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो 6 बच गया वो बेचारा हो गया हमारा वेरी के लिए, बता रही समझ में, ये हो गया वेरी के लिए, तो 6 इसमें से आंसर हो गया, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपने देखा कि कितना सिंपल वे से हम इसे कर सकते हैं विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड क्वेश्चन देखो और आप टिक लगाओ, क्वेश्चन देखो टिक लगाओ, है ना, बस आपको जिस वर्ड के बारे में करा उस पर फोकस करो, बस उसी को ढूंढो, आलतू फालतू इधर उधर कुछ नहीं देखना है, क्योंकि वो हमारा एग्जामिनर क्या का चाहता है, ठीक है, एग्जामिनर चाहता है कि ये टाइम इधर उधर लगाए और अपना टाइम ज़्यादा लगाए और वो सक्सेस ना हो, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है, तो आप ये क्वेश्चन देखा आपने, ये पैटर्न देखा, और जितने डिकोडिंग कोडिंग के जितने सारे पैटर्न्स है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वहां से आपको मिल जाएगा, और फटाफट आप इनका प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। अगर कहीं डाउट आती है क्वेश्चन में तो आप ज़रूर हमें बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और फिर उसके बाद नए टिप्स के साथ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।